हाय फ्रेंड, मैं पप्पू कुमार और आप सभी का इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वह अप्रेंटिस से रिलेटेड मैं एक अपडेट लेके आया हूं जो कि आप लोग के बीच में मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन लाऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे जबलपुर का जो अप्रेंटिसशिप आई हुई है, यहाँ पे पहले डेट देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है 27 जनवरी 2021, यानी रात में, कल रात में आया था। और यहाँ पे इसका ऑनलाइन डेट जो स्टार्ट होने वाला है 28 जनवरी 2021 का ऑनलाइन डेट स्टार्ट होने वाला है। और यहाँ पर लास्ट डेट इसमें जो रखी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं 27 फरवरी 2021 रखा गया है। और फ्रेंड इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है आप जानते ही होंगे, अप्रेंटिसशिप के लिए रेलवे में ITI जरूरी ही है, अनिवार्य है इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें जो है अगर कहीं भी आपका अप्रेंटिसशिप लग गया हो तो ठीक है, अगर नहीं लगा हो, मेरिट आपका नहीं बन रहा हो, आपका उस लिस्ट में नाम नहीं आ रहा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड नीचे जब जाइएगा यहाँ पर तो ये वही देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है 1961 के तहत इसमें अप्रेंटिसशिप रखा गया है और क्वालिफिकेशन जो है आपको ITI मांगा गया है। और इसमें सीट की जो बात की गई, यहाँ पे देख सकते हैं 561 सीट इसमें दिया गया है। ठीक है, और जब नीचे जाइएगा तो इसमें देख सकते हैं सभी के लिए यहाँ पे दिया गया है, डीजल मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, फिटर, टर्नर, ये सभी का सीट जो दिया गया है देख सकते हैं, सभी का इसमें इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, और इसमें जो ट्रेनिंग होने वाली है यहाँ पे देख सकते हैं 1 ईयर का ट्रेनिंग होने वाली है, और आपको जो है 10th+ ITI पास होना है। इसमें आपको सर्टिफिकेट है फिर तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो इसमें नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सारा ट्रेड के लिए इसमें दिया गया है, टोटल सीट आप देख सकते हैं यहाँ पर 561 सीट इसमें रखी गई है। और नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिखा गया है एज की जो बात की गई है, तो आपको जो 1 जनवरी 2021 से लेकर, यानी मैं इस डेट में आपको जोड़ा जाएगा, 15 वर्ष आपका होना चाहिए, 15 से लेकर 24 वर्ष तक आपका होना चाहिए। और इसमें कुछ छूट भी दिया गया है देख सकते हैं, SC ST वालों के लिए 5 साल के लिए, OBC के लिए 3 साल के लिए, ऐसे छूट अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आप इसका छूट का लाभ ले सकते हैं। और जब आप नीचे जाएंगे, अगर आपका पिताजी या कोई भी भूतपूर्व सैनिक में है, एम्प्लॉय है, तो इसमें आपको 3% छूट दिया जाएगा। और आप अगर दिव्यांग हैं तो इसमें आपको 4% की छूट इसमें दिया जाएगा। और जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पे अपना देख लीजिएगा, अगर आप डिजिबल में आते हैं तो ये आपका ये सब होना अनिवार्य है। ठीक है, और फ्रेंड यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप SC ST कोई भी अगर कास्ट में आते हैं तो आपको इसमें सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है। EWS वाले को देख सकते हैं 10% की इसमें छूट दिया जाएगा वैकेंसी में। ठीक है, और जब आप नीचे जाइएगा और फ्रेंड 6 नंबर में जो बोला गया यहाँ पर देख सकते हैं, चिकित्सा परीक्षण, यानी जब आपका जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए गए, यानी आप उसमें सेलेक्ट हो गए DV के लिए, आपको वहाँ पे अगर बुलाया गया तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेकर ही जाना पड़ेगा वहाँ पे। और फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दर्शाया गया है इस लाइन को देख सकते हैं, मेडिकल प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधिवक्त जो डॉक्टर हैं उसके द्वारा उम्मीदवार के सत्यापन फोटो, हस्तक्षेप जो, यानी कि उसका फोटो, ये जो कैंडिडेट हैं उनका फोटो रहना चाहिए, और जो सरकार मतलब जो डॉक्टर हैं उनका जो है सिग्नेचर मोहर तहत उसमें रहना चाहिए। और फिर 7 नंबर में जो बोला गया यहाँ पे देख सकते हैं, प्रत्येक उम्मीदवार को आवेदन करने से पूर्व नई वेबसाइट जो है www.apprenticeship.org जो इस पोर्टल पर है, पंजीयन करना आवश्यक है। जिन उम्मीदवारों ने पूर्व वेबसाइट, ये देख रहे हैं पहले एक वेबसाइट में जो पंजीयन कर लिया है, वे नए वेबसाइट में अपनी प्रोफाइल अपडेट कर लें। और फिर आगे इसमें जो बोला गया है कि पंजीयन करते समय, यहाँ पर देख सकते हैं, पंजीयन करते समय पोर्टल में जो उम्मीदवार अपना नाम, पता, फादर्स नेम जो भी भरते हैं वो अच्छी तरह से भर ले, ताकि यहाँ पे जो बोला गया जिसमें भविष्य में आपको किसी प्रकार की जो है असुविधा ना हो। और फ्रेंड इसमें बोला गया कि अगर आप इस पूरा प्रक्रिया कर लेते हैं, ऑनलाइन पूरा कर लेते हैं न्यू पोर्टल में, तो आपको जो है जिसका प्रिंट आउट दस्तावेज सत्यापन के समय इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, DRM ऑफिस वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर में आपको सत्यापन करना पड़ेगा। ठीक है, और फ्रेंड चयन प्रक्रिया की जो बात की गई है देख सकते हैं यहाँ पे, तो अप्रेंटिस को जो है 10वीं परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत पर आधारित होगा, यानी ये जो है आपका चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा नहीं ली जाएगी, यानी मेरिट बेसिस इसमें होगा और आपका कोई भी परीक्षा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें आगे जो बोला गया है यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर में, यहाँ पे बोला गया है कि अगर उम्मीदवारों का जो है नंबर सेम हो तो उसका उम्र देखा जाएगा, अगर उम्र सेम हो तो उसका DOB देखा जाएगा। ठीक है, तो इस अनुसार से उनका चयन प्रक्रिया किया जाएगा। और यहाँ आगे जो बोला गया है कि आपका जो है SC ST कास्ट जो आते हैं वो 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फिर यहाँ पर बोला गया है जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे चयनित
उम्मीदवारों को जो सूची जो दिया जाएगा तो इस वेबसाइट पे जाके आपको दिया जाएगा, और यहाँ पे देख सकते हैं सूचना दी जाएगी, एमपी ऑनलाइन द्वारा सूचना दी जाएगी। फ्रेंड अगर आप एस सी एस टी हैं तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये फॉर्मेट दिया गया है, तो आप नहीं बनवाए हैं कास्ट सर्टिफिकेट तो आप इसमें निकलवा कर बना सकते हैं। ओबीसी जो भी आते हैं इसमें सारा इसमें वैलिड दिया गया है, ठीक है। अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो भी इसमें देख सकते हैं दिया गया है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वे सेंट्रल रेलवे जबलपुर, तो आप इस फॉर्मेट को निकाल कर आप मेडिकल बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।